दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे सार्वजनिक हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेतृत्व वाली भूपेश बघेल सरकार में हलचल है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से जुड़े सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। एक टीवी चैनल पर लाइव बातचीत में उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर ऐसा जवाब दिया जो इकरार तो नहीं था लेकिन इनकार भी नहीं। दरअसल टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के सीएम पद की दावेदारी से कभी बाहर नहीं रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार के 5 सालों के कार्यकाल के दौरान बार बार सिंहदेव का नाम उछला है। अब चुनाव नतीजे नजदीक हैं तो उनसे फिर सीएम पद को लेकर सवाल किए गए हैं। एक हालिया इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि सीएम का सवाल लगातार पूछा जा रहा है, आपने भी कहा था कि सीएम बनने का अवसर नहीं मिला तो कोई औचित्य नहीं है चुनाव लड़ने का। इसके जवाब में टीएस सिंहदेव ने कहा कि एक वक्त आता है जब इंसान को फैसला करना चाहिए कि उसके अंदर एक्टिव पॉलिटिक्स कितनी बची है। उन्होंने कहा कि मेरे बाल सफेद हो गए हैं, 71 साल उम्र हो गई, 5 साल बाद चुनाव लड़ूंगा तो 76 साल का हो जाऊंगा, 5 साल का टर्म पूरा करूंगा तो 81 साल का हो जाऊंगा। एक समय आता है जब इंसान को निर्णय ले लेना चाहिए कि एक्टिव पॉलिटिक्स के लिए अब बहुत हो गया, तो वो मेरा मकसद था कहने का और मैं उस पर अभी भी कायम हूँ। 76 साल की उम्र में अगर लोग मुझे काम करने का मौका देंगे तो मेरे लिए बड़े गर्व और समझिए संतोष का विषय होगा कि इतना समय लोगों ने मुझे काम करने के लिए दिया। इसके बाद उनसे पूछा गया कि आपके कहने का मतलब था कि यही सही समय था आपको मुख्यमंत्री बनाने का, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात कह रहे हैं आप, तो इसका जवाब इन्होंने दिया कि हम लोग एकदम क्लियर हैं इस बाबत कि पिछले 5 साल हम लोगों के लिए बहुत कठिन रहे, मीडिया में लगातार सवाल जवाब, 2.5 साल और उसका नुकसान भी होता है, हम लोगों के ऊपर भी उसका दबाव होता है और काम करने में परेशानियां होती हैं, उस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, ये 5 साल का कड़वा अनुभव मेरे लिए रहा। इस प्रकार की जो बात लगातार चलती रही वो कोई सकारात्मक अंजाम पर नहीं पहुंचती है, वो नकारात्मक स्थिति ही बनाती है, इसमें पड़ना नहीं है। हमारी एक पार्टी है, उसका एक स्ट्रक्चर है और उससे जो डिसीजन आएगा हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव ने कुछ महीने पहले पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर दी थी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पीएम मोदी के एक कार्यक्रम में टीएस सिंहदेव राज्य के प्रतिनिधि के रूप में थे, तब उन्होंने पीएम की तारीफ करते हुए कहा था कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ को बहुत सौगातें दी हैं। ये भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है। हालांकि टीएस सिंहदेव ने अपने इस बयान के लिए बाद में माफी भी मांग ली थी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन्होंने अपने अन्य सहयोगियों से कहा था कि वो अपने बयान के लिए सभी से माफी चाहते हैं। बहरहाल टीएस सिंहदेव आजकल अलग अलग इंटरव्यूज में अलग अलग बयानों में सीएम पद को लेकर अपनी दबी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सिंहदेव के इन मौजूदा बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम सियासी खबरों को बेबाक और निष्पक्ष अंदाज में देखते रहने के लिए TV9 भारतवर्ष YouTube चैनल है, उसकी ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाएं और वहां के वीडियोस लगातार देखते रहें।